नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और बात करते हैं जरा याद करो राजनीति पर। मोहन भागवत ने कहा है कश्मीरी हिंदुओं को वापस कश्मीर में बसाने का समय नजदीक आ गया है और अब की बार अपनी मातृभूमि में उनको ऐसा बसाना है कि फिर कोई उजाड़ ना सके। आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत ने सही बात कही है, लेकिन सवाल यह है कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीरी से उजाड़ा क्यों और कैसे गया, ऐसे हालात क्यों बने। वो हालात कुछ दिनों में बने, कुछ महीनों में बने, कुछ सालों में बने या फिर कुछ दशकों में बने। आइए थोड़ा अतीत को याद करते हैं और अतीत में राजनीति को याद करते हैं। इसीलिए मैंने इस सीरीज का नाम दिया है जरा याद करो राजनीति। बात 1932 की है। उस समय कश्मीर में डोगरा राजवंश का शासन था, महाराजा हरि सिंह गद्दी पर थे और शेख अब्दुल्ला अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए कोई रास्ता ढूंढ रहे थे। शेख अब्दुल्ला ने एक राजनीतिक मंच बनाया जिसका नाम रखा गया ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। इस राजनीतिक मंच के चार उद्देश्य घोषित किए गए। एक, कश्मीर राज्य के मुसलमानों को संगठित करना। दो, मुसलमानों के बीच एकता को मजबूत करना। तीन, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा। और चार, मुसलमानों में नैतिक, शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक उन्नयन के लिए संघर्ष। ये चार बिंदु अपने आप में बताते हैं कि यह केवल मुसलमानों के हितों और बातों को ध्यान में रखकर बनाया गया राजनीतिक मंच था। और ध्यान में रखना चाहिए कि उस समय कश्मीर में हिंदू महाराजा थे हरि सिंह। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का पहला सालाना सत्र 15 से 19 अक्टूबर को पत्थर मस्जिद के प्रांगण में हुआ, जिसकी अध्यक्षता खुद शेख अब्दुल्ला ने की। यहां पर अपने भाषण में उन्होंने कहा, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सांप्रदायिक संगठन नहीं है और इसका अस्तित्व राज्य में रहने वाले सभी समुदाय के लिए फायदेमंद होगा। वैसे तो उन्होंने बहुत लंबा भाषण दिया, लेकिन तीन बातों को समझ लीजिए, तीन बातों पर गौर कीजिए। एक, शेख अब्दुल्ला ने मंच से कहा यह मंच सभी समुदाय के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन सवाल यह है कि राजनीतिक मंच का नाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ही क्यों रखा गया, जब यह सभी समुदाय के लिए काम करने के दायरे के आधार पर बनाया गया तो फिर इसका नाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस क्यों रखा गया। और दूसरी बात, पहला अधिवेशन पत्थर मस्जिद में क्यों रखा गया, इसको कहीं और सार्वजनिक स्थल पर भी रखा जा सकता था। और तीसरी बात, संगठन में सभी उद्देश्य में कहीं पर भी किसी भी सभी समुदाय की बात नहीं कही गई। यह केवल मुसलमानों के हित को ध्यान में रखकर बनाया गया एक राजनीतिक मंच था। यह बातें गौर करने की है, क्योंकि इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले कई लोगों का कहना है कि शेख अब्दुल्ला कश्मीर में सभी समुदाय और धर्म के उत्थान की बात कर रहे थे, वो केवल कश्मीर में डोगरा राज्य के खिलाफ थे। कई लोगों का ऐसा कहना है, आप गौर कीजिए। इसके 15 साल बाद देश को आज़ादी मिल गई। जब देश आज़ाद हुआ उस समय बहुत ऐसी घटनाएं घटी जिनके बीच 1932 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जन्म के साथ ही रोपित हो गए थे। वैसे तो शेख अब्दुल्ला ने बाद में 1938 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर लिया, लेकिन यह सवाल किया जाना चाहिए कि यह नाम क्यों बदला गया। इसके कई सारे उत्तर सामने आ सकते हैं जब ये सवाल किया जाता है, लेकिन सवाल है कि उनको नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ गई। कल से यहीं से बात शुरू करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और उत्तर सामने आते जाएंगे, क्योंकि बात लंबी है, कई सारी परतों में है, इसीलिए धीरे धीरे खुलेगी। क्योंकि बाद में शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू की बड़ी गहरी दोस्ती हो गई थी, जिसकी कहानी के हर पन्ने पर कुछ न कुछ ऐसा है जिसको जानना और समझना जरूरी है। कल से हर रोज मिलते हैं जरा याद करो राजनीति के साथ। नमस्कार, आप देखते रहे जरा याद करो राजनीति।